अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक दोस्तों, डेली शायर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए आज फिर से चलते हैं बथा मार्केट, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ओल्ड रियाद को। बथा बोले तो पुराना रियाद ही छे। अभी चलेंगे, बताता हूँ आपको। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, आधे रास्ते से वापस आना पड़ा क्योंकि मैं पर्स भूल गया था। या बिना खाम के बथा में घुसना अच्छी बात नहीं है क्योंकि चेकिंग बहुत चल रही है बथा मार्केट में। क्या बोलते हैं एजाज, कल देखे ना पुलिस वाले भर भर के लेकर के जा रहे गाड़ियों में भर भर के। चलो अभी चलते हैं बथा। भैया ये पूरा ओल्ड रियाद है, पुराना रियाद का ही एरिया है ये। अभी मैं हरात साइड से जो है बथा की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ कब्रस्तान है एक बड़ा सा, ये साइड में राइट साइड में। अभी ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ना, ये देखो, ये मकबरात है यानी कब्रस्तान है। बथा के आसपास में आई थिंक तीन कब्रस्तान है, तीन। ये पूरा ओल्ड रियाद, पुराना रियाद। ये देखो, ये है पुराने रियाद के बिल्डिंग। ये पूरा गिर गया इधर। अभी हम लोग जाएंगे ऊपर से। यहाँ पे गोश्त मार्केट है बड़ी बथा की। या तो भैया बता तो पहुंच गए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पार्किंग भी मिल गई हमारे को अच्छे से। और ये सामने है नेस्टो मार्केट, पब्लिक तो ज़्यादा नहीं है फिलहाल इस टाइम। ये देख सकते हैं नेस्टो मार्केट। चलो पटेल जल्दी आ जाओ। ये नेस्टो के सामने की मार्केट है। यहाँ पर जो सऊदी लोग पहनते जब्बा उसका कपड़ा मिलता है यहाँ पर। यहाँ है ना चॉकलेट। ये परफ्यूम की शॉप है उसको। अरे यार भैया, नहीं नहीं वो नहीं चाहिए। यहाँ पर बुला बुला के, खींच खींच के बुला बुला के बताते और पिना देते बंदे को। अरे युवा आधा बता। चलो और एक दुकान के पास पहुंची अपन, यहां से लेंगे चॉकलेट। भाई साहब कितना किलो चॉकलेट? कैसा किलो? 20 का वो 25 का। पूरा कपड़ा मार्केट है, कपड़ा मिलता है इधर। कपड़ा क्या रखे जी सजा के? तो पूछो पूछो उनका, नहीं पूछो कितना दे रहे हैं। यहाँ से देखेंगे, तीन से चार दुकानों में देखना चाहिए। अभी यहाँ से कौन सा टेप? वो टेप नहीं होता जी, वो 1 किलो 20 रियाल भैया चॉकलेट। ये बादाम कैसा किलो है? बादाम 22 रियाल। काजू? काजू 40 रियाल। 42 रियाल। ज़्यादा पब्लिक नहीं है, पब्लिक वैसे असर के बात रहता है यहाँ पे। कहाँ पर है? हाँ ये भैया, जब एयरपोर्ट में जाके अपन बैग को क्या बोलते हैं यार, वो याद नहीं आ रहा मेरे को, तो उससे अच्छा है ये खरीदो और जो है अपना रूम से मार के जाओ, ठीक है? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए जैकेट, गर्मी में क्या करेगा यार।
सर्दी रहेगा। आई वाह माशाल्लाह। कोई तो अभी हम चले गए इधर से बैग के लिए, ये लेना चाहिए जरूरी है। यहाँ पर बुला बुला को सामान देते, फ्री में नहीं देते। हाँ फ्री में नहीं देते, बुला बुला के देते ना, फ्री में नहीं देते, पैसे लेते। खरीदो खाली बस। हाँ अभी हम निकल के बाहर, अभी इधर देखेंगे होटल किधर है। जाना भाई, आया हम इधर गिफ्ट ये शॉप में, घड़ी मड़ी मिलता है इधर। भैया ये कितने का है? ये वाला कितना? चलाओ उसको, चलेगा। कौन सा वाला? ये वाला 35 रियाल। अच्छा ये पुलिस का कितना? ओ भाई 45 रियाल। ये वाला घड़ी मड़ी सब कुछ मिलता है भाई के पास में, माशाल्लाह। ये डिजिटल कितने का है भाई गाड़ी? ये वाले दस दस रियाल का है। दूसरा है ना वो? इसके अलावा दूसरा कौन सा है फिर? ये दे दो, सेम है ना? हाँ चलो सही है। तो भैया अभी बता नहीं मौजूद है यहाँ पर, जो है लास्ट टाइम ये होटल में बहुत नाश्ता करता था मैं, अभी बंद हो गया ना, ज़्यादा बता नहीं आ रहा हूँ। पीछे देखो यहाँ पे कैंची वैंसी चाकू वाकू तेज होता है, ये सब लाइन में वही है। ये आज भी भैया ज़्यादा घूमने का मौका तो नहीं मिला, अभी जल्दी वापस जाना पड़ रहा। तो ऊपर से भूख लग रही है, और यहाँ पर क्या है ना होटलों में भी कार्ड का यूज़ नहीं हो रहा है। कैश चाहिए, कैश चाहिए, हर जगह वही मसला है, कैश चाहिए। पता नहीं यार, एक आध कस्टमर का ले लेना चाहिए ना। और यहाँ एटीएम से तुमको 10-20 रियाल तो निकलेगा नहीं, सीधा 50 रियाल नहीं तो 100 रियाल। 50 भी कहीं कहीं निकलता नहीं है एटीएम में, डायरेक्ट 100 रियाल निकालना पड़ेगा। पीछे नेस्टो मार्केट, अभी हम जाएंगे जल्दी जल्दी वापस जाएंगे इंशाल्लाह, फिर रूम पे जाकर नाश्ता करेंगे। ये रबी दुकान है, यानी हलवात हलवियात मिठाई की दुकान। यहाँ पर देखो ये है अंगूर का पत्ता वरगैनब, मिठाई है, फिर ये है सैंडविच छोटे छोटे। हाँ दो सैंडविच वगैरह मिठाई वठाई सब मिलता है इधर। ये देखो ये पूरा चॉकलेट वॉकलेट है। हम बथा से आए तो ड्यूटी लग गया भैया, ये मोहाल को आने का ड्यूटी लगा अपने को। आ जाओ जस भाई, मिठाई लेके जा रहे बोलो। और क्या है, कहाँ से? सना बनात से, माशाल्लाह।
आप स्विमिंग पूल वाला जो क्लिप देखे होंगे वो स्विमिंग पूल इस तरह में था जो कि मैं ड्यूटी गया था रात में, यानी कल असर के टाइम पे चला गया था मैं ड्यूटी। इजाज भाई रूम पे ही थे माशाल्लाह, तो वहाँ पर स्विमिंग पूल वगैरह था। भैया ये लोग जाते हैं स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हैं, फुल स्विमिंग वगैरह करते हैं, हम लोग को गर्मी में मरना पड़ता है। ठीक है, तो मैं रुका नहीं वहाँ पे, उनको जो भी सामान चाहिए था वो सब ला के दिया। देने के बाद मैं वीडियो नहीं बनाया ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि मेरे को किसी और तरफ जाना था। तो उनका सामान जितना भी था मैडम लोग का सब ला के दे दिया। उनको देने के बाद मैं बोला मैं दोस्त के रूम पे जा रहा हूँ, जो कि हमारे एक भाई है। यहाँ पर यूज्ड जो कार होती है, यूज्ड जो कार होती है वो शोरूम में काम करते हैं दमाम रोड पे। तो उनके पास गया था माशाल्लाह, उनके साथ भी वीडियो बनाया हूँ, इंशाल्लाह आपको पोस्ट करूँगा, मैं दिखाऊँगा आपको कहाँ काम करते हैं भाई साहब। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे एजाज भाई के लिए दुआ ज़रूर करिएगा, क्योंकि भैया बहुत मुश्किल से वो जा रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है दिल को, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी एक ऐसी चीज़ है। देखो इंसान को खौफ एक ही चीज़ का होता है, जब इंसान सऊदी अरब आता है इंडिया से, हिंदुस्तान से, तो वो कर्ज़ा लेकर के आते हैं, अपने घर के पैसे डाल के कोई नहीं आता है। कर्ज़ा लेके आने की वजह से जो है ना उसको थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि मैं कर्ज़ा किस तरह से पे करूँ। ठीक है, कर्ज़ेदार भी जो है ना भैया सब्र नहीं करते, बस तंग करते हैं इंसान को कि बनो बनो किसी तरह से बनो। सब्र करना चाहिए, क्योंकि जब बंदा मजबूर होता है तो कुछ नहीं करता है, उसकी कमाई नहीं होती है तो वो क्या करेगा। ठीक है, तो जाने वाले हैं, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह करीम। मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। बथा के बारे में कुछ बोलिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ का वीडियो भेजना चाहिए, यानी कहाँ का व्लॉग बनाना चाहिए बथा मार्केट में, मेरे को लोकेशन बोलो, मैं इंशाल्लाह वहाँ जा कर के वीडियो बनाऊँगा ज़रूर। ठीक है ना, बताना ज़रूर भाई, बथा को एक्सप्लोर करेंगे, पूरा बथा बताएंगे, क्योंकि जो लोग पहले रह के गए हैं वो लोगों की यादें ताज़ा हो रही है बथा मार्केट को देख करके। तो अच्छा लग रहा है कमेंट्स में देख के माशाल्लाह, आप लोग अगर बथा विजिट करे थे वो मार्केट में शॉपिंग करे थे तो ज़रूर कमेंट करके बताना। बुला बुला के आदमी की गर्दन काटते हैं वहाँ पे, पता है आपको यानी कस्टमर को बुला बुला करके सेल करने की कोशिश करते। इतना है कि बस प्राइस जो होता है उसमें बार्गेनिंग करना ज़रूरी है, बिना बार्गेनिंग के बथा में कभी भी नहीं लेना, क्योंकि आपको 20 में मिलने वाली चीज़ 50 में 60 रियाल में भी पहनाने की कोशिश करते बथा। खैर, अल्लाह खैर करे, मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ख्याल रखिएगा अपना, मा सलामा, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।